हेलो गाइस, तो स्वागत है सबको मैच प्रेडिक्शन फॉर टुडे चैनल। और मैं हूँ रसबीर, आप लोगों के साथ आज बात करने आया हूँ वीवो आईपीएल की जो मैच चल रही है उसके बारे में। और ये जो वीवो आईपीएल की जो कुछ मैच चले गए इसकी तो प्रेडिक्शन नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी, बहुत ही सॉरी, दिल से सॉरी। और ये जो आज जो प्रेडिक्शन में करने वाला हूँ वो ये कि 13 नंबर मैच को लेके ये जो वीवो आईपीएल की 13 मैच 12-12 मैच से चली गई, और 13 नंबर की जो मैच है ये मैच आपस में टक्कर करने वाला है दो टीम, वो है कि किंग्स इलेवन पंजाब और जो है दिल्ली कैपिटल्स। जो दोनों टीमों के पास अच्छे अच्छे प्लेयर है, और ये जो वीवो आईपीएल चल रही है बहुत ही अच्छी हो रही है, हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग दोनों ही हो रही है, लेकिन ज़्यादातर मैच हाई स्कोरिंग ही हुआ है और सभी मैच में मज़ा आया है। इससे भी साल वीवो आईपीएल जो देख रही है बहुत ही मज़ा आ गया होगा, क्योंकि ये जो मैच होती जा रही है बहुत ही अच्छी होती जा रही है, और बहुत ही ये जो सेंचुरी है वीवो आईपीएल की आईपीएल में तो सेंचुरी होती जा रही है, 3-3 सेंचुरी तो अब तक बन चुकी है इस साल वीवो आईपीएल में। और ये जो पिछला मैच हुआ था 12 मैच जो हुआ था डेविड वॉर्नर और जो ये जो ब्रिस्टो खेला था बहुत ही अच्छी खेला था, दोनों ओपनिंग प्लेयर ने सेंचुरी किया था। और ये जो पंजाब और ये जो किंग्स इलेवन पंजाब और ये जो दिल्ली कैपिटल्स की मैच है ये भी मैच अच्छी होगी, क्योंकि बहुत ही हिटर बैट्समैन है दोनों टीमों पर। और ये जो दिल्ली कैपिटल्स है इस बार तो एक ऐसी टीम लेके उतरा है मैदान पर जो किसी के भी धज्जियाँ उड़ा सकती है ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर है, फ्यूचर इंडिया जो होने वाला है इस टीम पर है, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर है इस टीम पर। और ये और ऋषभ पंत है बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, पृथ्वी शाह फॉर्म में आ चुका है, ये जो श्रेयस अय्यर भी अच्छी खासी रन बनाती जा रही है इस साल आईपीएल में। और ये जो पंजाब है, पंजाब की टीम तो पिछले साल जो टीम था वही टीम है, लेकिन दो एक प्लेयर चेंजेस हुआ है, लेकिन ये जो क्रिस गेल है, क्रिस गेल तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, आप लोगों को देखा होगा कि क्रिस गेल अगर फॉर्म में आती है तो जो भी टीम में होता है उस टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। और ये जो क्रिस गेल है अपनी दम पर मैच को जीता सकती है, अंकित राजपूत है जो एक अच्छी बॉलर है, किंग्स इलेवन पंजाब की मुजीबुर रहमान है, एंड्रू चाई है, एंड्रू चाई जो पिछले साल की बहुत ही अच्छी बॉलर था और मोस्ट ऑफ विकेट की हकदार था ये एंड्रू चाई, मॉयस हेनरी क्विज है, लोकेश राहुल है, सभी प्लेयर ये जो मायनक अग्रवाल है ये भी अच्छे फॉर्म में आ चुका है, कारुण नेर है, अक्षर पाटिल, तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर है कि पंजाब पर भी। और ये जो दिल्ली कैपिटल्स है, दिल्ली कैपिटल्स के पास भी अच्छे अच्छे प्लेयर है, ये जो कागिसो राबाडा भी इस टीम पर खेल रही है, और पिछले मैच में जो दिल्ली खेला था ये दिल्ली ने खेला था, और दिल्ली ने जो केकेआर के साथ खेला था उस मैच में तो टाई हुआ था, लेकिन सभी को लगा था कि दिल्ली कैपिटल्स मैच से जीत जाएगी, लेकिन मैच टाई हुआ था और टाई में जाके वो जीत गई थी, सुपर ओवर में जीत गई थी दिल्ली कैपिटल्स। और ये जो कागिसो राबाडा ने बॉल किया था बहुत ही अच्छी बॉल किया था, तो मैंने बोला आप लोगों को कि ये जो दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम है किसी भी टीम की धज्जियाँ उड़ा सकती है इस साल। और ये जो मैच है 13 नंबर की जो मैच है ये पंजाब और दिल्ली की, ये मैच तो होने वाला है पंजाब की होम ग्राउंड पर, यानी कि पंजाब एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम पर ये मैच होगा। और इस पिच पर अब तक तो 85 मैचेस हो चुका है, और उसमें से जो है वो 22 मैच जो है वो फास्ट बैटिंग जीता है, और 28 मैच जो है वो चेजिंग टीम ने जीता है, तो चेजिंग टीम को ज़्यादा सपोर्ट होती है जीतने के लिए इस पिच पर। और ये जो पंजाब है, पंजाब तो पिछले मैच इसी पिच पर हुआ था और वो मैच जीता था मुंबई इंडियंस के साथ 177 की चेज किया था, ये जो किंग्स इलेवन पंजाब है, तो किंग्स इलेवन पंजाब भी एक अच्छी टीम है। और इस मैदान की अगर फास्ट इनिंग्स की एवरेज स्कोर की बात करो तो वो हो सकते हैं 185, और सेकंड इनिंग्स की एवरेज स्कोर हो सकती है 170 से लेके 80 तक हो सकती है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है वो एक चेजिंग ग्राउंड है, और ये जो स्टेडियम है बहुत ही उतना बड़ा नहीं है, तो ज़्यादा रन बनती है 170 रन आसानी से बन जाती है। अगर फास्ट बैट करके जीतना चाहती है तो उस टीम को 200 की ऊपर रन बनाना होगा, यानी कि 220 या फिर 210, यानी कि 200 की ऊपर रन बनाना होगा अगर मैच से जीतना चाहती है तो। और ये जो दो टीम है दिल्ली और पंजाब की, जो दो टीम है, दोनों टीम जो पिछले साल खेला था दोनों को दोनों मैच ही पंजाब ने जीत गई थी, पहला मैच जीता था 6-6 विकेट से, और 2 नंबर की मैच जीता था पंजाब ने जीता था, वो दिल्ली के मैदान पर वो 4 रनों से जीता था, और अंकित राजपूत जो बॉल किया था बहुत ही अच्छी खासी बॉलिंग किया था उस मैच में। तो ये जो मैच होगी ये भी एक अच्छी मैच होगा, वीवो आईपीएल में सभी मैच अच्छी होती जा रही है, तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है। तो ये जो
पीछे है इससे पीछे अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करूँ तो वो है 211 और हाईएस्ट चेस भी है 211। तो ये जो मैदान है तो आप लोग सोचा आप लोग समझ चुका है कि ये जो मैदान है बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच है देखने को मिल सकती है आप लोगों को। तो बहुत दिनों के बाद आया हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए एक टिप्स आप लोगों को देना मैं पसंद करूँगा वो है कि इस साल वीवो आईपीएल में जो भी भाई बैटिंग कर रही है वो भाई को मैं बोलना चाहूँगा कि इस साल वीवो आईपीएल में ज़्यादातर फेवरेट टीम के साथ रहना, क्योंकि फेवरेट टीम इस साल ज़्यादा जीतेगी उतना इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि फेवरेट टीम के साथ इस साल 2019 में वीवो आईपीएल के साथ ही रहना। और जब भी मौका मिले तो लॉस कार्ड की बुकिंग सेट भी कर लेना आप लोग। और ये जो मैच होगा जो बाद में जो मैच होगा, ये जो पहला की कुछ मैच होता है 10-15 मैच होता है वो मैच तो आसानी से जीत जाती है टीम फेवरेट टीम, लेकिन बाद में जो होता है अगर ये जो 10-15 मैच की बाद में अगर देखोगे आप लोग तो इस साल वीवो आईपीएल में बहुत ही इधर उधर होगी। तो बहुत ही होशियार रहना और रहना हमारे साथ, क्योंकि हम जो प्रेडिक्ट करेगा वो आप लोगों को 80% आप लोगों को पास करके दूंगा, ये हमारी वादा रहा है आप लोगों से। तो ये जो बात करते हैं आज की मैच के बारे में, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत दिनों के बाद आए हो आप लोगों के साथ, बहुत ही काम में बिजी था यार। तो ये जो मैच है पंजाब और दिल्ली की जो मैच है, ये मैच तो पंजाब की होम ग्राउंड पर होगा, तो पंजाब को थोड़ा सा जो मैदान की होम ग्राउंड है होम ग्राउंड की फ़ायदा तो मिलने ही चाहिए मिलेगा। और ये जो मैच है ये मैच बहुत ही अच्छी मैच होगा और आप लोगों के लिए जैकपॉट भी मैच होगा, क्योंकि रेट उतना अच्छा मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये जो मैच है बहुत ही एक अच्छी मैच होगा। तो आप लोगों को ये जो दिल्ली कैपिटल्स है, दिल्ली कैपिटल्स के और दो बैट्समैन है वो है कॉलिन मुनरो, तो अब तक नहीं खेला है लेकिन कॉलिन इंग्राम खेल चुका है। तो कॉलिन इंग्राम फॉर्म में नहीं है लेकिन कभी भी आ सकती है कॉलिन इंग्राम, आप लोगों ने देखा होगा पीएसएल में जो खेला था, पीएसएल में ये अपनी दम पर मैच जिताया था, ये जो अपनी दम पर मैच को जिताया था ये जो कॉलिन इंग्राम है। तो बहुत ही अच्छी बैट्समैन है, अच्छी हिटर है, 100 भी किया था। और ये जो कॉलिन मुनरो है, कॉलिन मुनरो अगर आती है और अगर फॉर्म में चलती है तो क्या बात होगी, सोना पे सुहागा हो जाएगा ये जो दिल्ली कैपिटल्स है, क्योंकि संदीप लामिजान है, कागिसो राबाडा है, बहुत ही अच्छी अच्छी बॉलर है इसी टीम के, ईशांत शर्मा है। तो बहुत ही अच्छी टीम है ये जो दिल्ली कैपिटल्स है इस साल, बहुत ही अच्छी टीम है, एक घोड़ा टीम है ये जो दिल्ली कैपिटल्स है। और ये जो पंजाब है, पंजाब तो एक अच्छी टीम है, पहले से एक अच्छी टीम है पंजाब। तो आप लोगों को बॉलिंग बैटिंग सभी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बात करते हैं आज की जो मैच है, कौन सा टीम जीतने वाला है, फाइनल प्रेडिक्शन करने जाने वाला हूँ। तो ये जो मैच है मेरी तरफ से ये जो मैच रहेगा वो तो मेरे को जितना ज़्यादातर लगती है कि ये जो मैच है वो तो दिल्ली फेवरेट होगा, लेकिन मेरे को लगती है ये जो मैच है वो पंजाब जीत जाएगी, क्योंकि पंजाब की मैदान है और पंजाब जो इस मैदान पर खेलता है, ये जो पंजाब एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम है बिंद्रा पर मोहाली पर, ये जो मोहाली पर मैच होता है, जो भी मैच होता है पंजाब बहुत ही अच्छी खेलता है और बहुत कम मैचेस हारा है इस मैदान पर। तो इस मैच में पंजाब के साथ रहना। लेकिन और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है कि कल जो मैच हुआ था दोनों को दोनों मैच फास्ट बैटिंग जीत गई थी। तो ये जो मैच है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 100% रहेगा कि ये जो मैच है वो चेसिंग टीम ही जीतेगा, जो भी टीम चेस करेगा वो टीम जीतेगा। लेकिन टॉस के बाद, टॉस के पहले अगर मैच लेना है तो पंजाब के साथ जाना, और अगर दिल्ली टॉस जीत जाती है, दिल्ली बाद में बैट करती है और पहले बॉल करती है तो दिल्ली के साथ जाना, क्योंकि दिल्ली भी एक अच्छी टीम है यार और बहुत ही अच्छी टीम है, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों ही एवरेज है इस टीम के साथ। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, कॉलिन इंग्राम बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेयर है इस टीम, पृथ्वी शाह तो बहुत ही अच्छी टीम है, बॉलिंग भी अच्छी है, कागिसो राबाडा है, संदीप लामिजान है स्पिनर, बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेयर है। तो चलते हैं आज के लिए, तो ये तो रहा प्रेडिक्शन, वो है कि अगर मैच जीतेगा वो पंजाब पर मैच होगा, तो ये जो मैच है वो पंजाब के साथ मैं जाना पसंद करूंगा, ये जो मैच विनर है वो पंजाब रहेगा। तो चलते हैं आज के लिए, और जाते जाते अभी भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत दिनों के बाद आया हो यार तो एक लाइक तो बनती है इसके लिए, और मेरी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना है। हमेशा मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेके आऊँगा, थोड़ा सा काम में बिजी होने की वजह से लोग आप लोगों के साथ नहीं हो पाया ये जो वीवो आईपीएल की कुछ मैच चले गए, लेकिन आगे से रहूँगा आप लोगों के साथ। तो चलते हैं आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और ध्यान में रहना इस साल वीवो आईपीएल में बहुत धमाकार होगा और बहुत ही प्रॉफिट में चलेंगे हम लोग, बहुत ही प्रॉफिट में चलेंगे, क्योंकि जो तीन तीन वीडियो मैंने दिया था आप लोगों को, पहली जो तीन मैच हुआ था उस मैच में जो तीन वीडियो में जो दो पास हो गई थी और सिर्फ एक हारा था वो मुंबई इंडियंस हारा था, मेरे को लगता था मुंबई इंडियंस हार जाएगा, लेकिन मुंबई इंडियंस पहला मैच हमेशा ही हारता है यार, मैं क्या करूँ हमेशा ही हारता है, लेकिन टीम अच्छा था मुंबई इंडियंस की, लेकिन मैच हार गई थी। तो देखते हैं क्या होता है, तो अगले भी मैच है
तो चलते हैं आज के लिए, अच्छे रहना और ध्यान से खेलना, दिल से खेलना यार, क्रिकेट दिल की खेल है तो दिल से खेलना।